वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि कल IMF बोर्ड की मीटिंग है, हमने इनकी तमाम शराइत पूरी कर दी हैं, बड़ी कड़ी शराइत थी। वजीर आजम ने कहा कि IMF की कुछ शराइत का ताल्लुक चीन से था, चीन ने दोबारा हाथ पकड़ा और माजी की तरह तआवुन किया। उन्होंने कहा कि चीनी क़यादत, सऊदी अरब और UAE का शुक्रगुजार हूँ, इनके तआवुन के बगैर ये मुमकिन नहीं था। वजीर आजम का कहना था कि इज्तिमाई काविशों से हुकूमत और इदारों ने मुल्की मुआशी चैलेंजेस को कबूल किया, दिन रात मेहनत से मुआशी अशारियों में बतदरीज बेहतरी आ रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तुर्की के सदर रजब तैयब अरदोगान से भी मुलाकात की, दोनों रहनुमाओं की जानब से मुख्तलिफ मामलात पर सैर हासिल गुफ्तगू की गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि तुर्की के सदर की अक्वामे मुत्तहदा में फ़लस्तीन पर तकरीर दिलों को छू लेने वाली थी, जिस तरह उन्होंने फ़लस्तीन का मसला बयान किया हॉल में मौजूद सबके दिलों को छुआ, मैंने तुर्क सदर को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि मुलाकात में पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बरादराना ताल्लुक के तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू हुई। सदर अर्दोगान ने बताया कि वो जल्द पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं।